ये बाबू राम भाई है गाना, राम बाबू चंडी के मड़ैया के। अच्छा अच्छा, उनकी बहू प्रधान है, वो प्रधानी खुद कर रहा है। ये जगह खाली करो नहीं तुमको जो है मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे धमकी देता, गालियां भी देता। हमारा 2.5 बीघा का वो है और ये कह रहा नहीं 3 बीघा का है। और ये मकान जो खड़ा है वो ग्राम समाज में, वो भी खसवाएंगे हम कहीं। आए दिन धमकी देता है, गालियाँ देने लगता है, ज़्यादा इससे बकवास करोगे तुमको वो लगवा देंगे हर जगह। शासन से ये मांग है कि सब मेरी जगह मुझे छुड़ा दी जाए, और उस जगह में जो है सड़क भी निकाल दी है, सड़क चंदे पंडित की उसमें है। वो बाबू राम की जगह जो है वो दे दी है, वो हमें सड़क में, वहाँ सड़क है नहीं। आए दिन गालियाँ देता आके। अच्छा अच्छा, ये जगह छोड़ो तुम्हारी क्या है, 884 नंबर है, उसमें कुछ पेड़ खड़े हैं, वो कद में कटवाएंगे इसको सब। कहा जाता है कि योगी जी अपराधियों के लिए काल हैं। जब से योगी सरकार आई यूपी में, तब से अपराधियों की स्थिति नाजुक होने लगी। अपराधी भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज भी उत्तर प्रदेश में दबंगई हावी है, किस तरीके से दबंगों के आगे अधिकारी पदाधिकारी मौन रहते हैं, शासन प्रशासन खामोश रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला इटावा के भरथरा का है, जहां के एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के साथ पदाधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। आप सुन सकते हैं उनसे उनकी पीड़ा, बहुत ही मार्मिक पीड़ा। वो समस्या हमारी ये है कि कमेटी बनती थी, वो सब पेड़ वेड़ कटवा दिए और सब पर कब्जा जो है बाबूराम धोबी में करवा दिए। अच्छा, ये समस्या है। किसके द्वारा कब्जा करवाया गया है? फौजी के द्वारा करवा, राम बाबू फौजी है, चोरी का। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि हम दोबारा से पेड़े उसमें फिर लगे। आए दिन धमकी देता है, आए दिन धमकी देता है, गालियाँ देने लगता है, ज़्यादा इससे बकवास करोगे तुमको वो लगवा देंगे हर जगह। अच्छा, कौन है ये लोग जो आपको धमकी दे रहे हैं? ये बाबू राम भाई है गाना, राम बाबू चंडी के मड़ैया के। अच्छा अच्छा, उनकी बहू प्रधान है, वो प्रधानी खुद कर रहा है। अच्छा अच्छा, और बाबू राम की जगह जो है वो दे दी है, वो हमें सड़क में, वहाँ सड़क है नहीं। हमारा 2.5 बीघा का वो है और ये कह रहा नहीं 3 बीघा का है, ऐसे जगह हमारी उसने दे दी। आपकी पैतृक जगह है वो? हाँ, पैतृक हमारी जगह है। जी हाँ, प्रधान का ससुर है श्याम बहादुर यादव, बड़ा ही दबंग है। कई बार बताया जा रहा है कि जेल भी जा चुका है, जेल की हवा खा चुका है, बावजूद सुधरने का नाम नहीं लेता, क्योंकि सरपरस्ती है पदाधिकारियों की। और ये इस वृद्ध आदमी की जमीन को कब्जा कर लिया है अपनी दबंगई से, इनकी जमीन पर किसी और को बसा दिया है, और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक के दरवाजे पर जाकर गुहार लगा रहे हैं और अब अपनी पीड़ा मीडिया को बता रहे हैं, देशवा न्यूज को बता रहे हैं। पीड़ित के बेटे की भी बात आप सुन सकते हैं, किस तरीके से प्रशासन मौन है, प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं सब कुछ देखते हुए खामोश है। क्यों खामोश है? 883 मिला दी है, भराव था वो, तो उसमें तालाब था 883 में, ग्राम समाज है उसमें, वो जो है उस सब जगह उसमें मिला दी उसके लिए, उसके पट्टे में। और श्याम बाबू प्रधान में मिला दी, नहीं श्याम बाबू की पत्नी, मतलब लड़के की बहू प्रधान है, खुद काम खुद प्रधानी करता है। अच्छा, खुद प्रधानी कर रहे हैं? हाँ, अवैध तरीके से। अवैध तरीके से जो, और आए दिन गालियाँ देता आके। अच्छा अच्छा, ये जगह छोड़ो तुम्हारी क्या है, 884 नंबर है, उसमें कुछ पेड़ खड़े हैं, वो कद में कटवाएंगे इसको सबको, खाली करो ये जगह। और ये मकान जो खड़ा है वो ग्राम समाज में, वो भी खसवाएंगे हम कहीं, सब थोड़ी जगह है, और मवेशी बांधते हैं, मवेशी बांधते। आपकी प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग है कि सब मेरी जगह मुझे छुड़ा दी जाए, और उस जगह में जो है सड़क भी निकाल दी है, सड़क चंदे पंडित की उसमें है। तो क्या चाह रहे हैं आप? साहब जहाँ सड़क हो वहाँ डलवा दी जाए, मेरी जगह छोड़वा दी जाए। बताया जा रहा है कि आपको धमकी भी दी जा रही है? धमकी भी दी जा रही है। अच्छा, किस कहता है कि ये जगह खाली करो नहीं तुमको जो है मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे धमकी देता, गालियाँ भी देता। पिताजी से कट जाओ तुम, ये जिंदा क्यों? कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा दबंग है श्याम बहादुर यादव, प्रधान का ससुर है ये, ग्राम प्रधान का। और इसकी दबंगई का आलम यह है कि जिस जगह पे ये उंगली रख दे वो जगह हमारा है,
ये मान लेता है, जिसको चाहे उस जमीन पर बसा दे, और वो पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, पुलिस में जाता है, जिला प्रशासन में जाता है, कोई नहीं सुनता। योगी जी, आपकी जनता का ये हाल है, आपके ही राज्य में इटावा जिले में ये सारा कुछ हो रहा है, इटावा के भरथरा की जनता की ये पीड़ा है, जिसको सुनने समझने की जरूरत है और अपने पदाधिकारियों को सजग करने की जरूरत है, हिदायत देने की जरूरत है कि आपकी जनता सुरक्षित रहे, सुरक्षा के साथ सांस ले सके, जीवन यापन कर सके। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।